हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सिंग विद एचएस। सो आज हम जा रहे हैं हेल्थ चेकअप कैंप के लिए। आज मेरे सेकंड टाइम है जो मैं कैंप में जा रही हूँ एज अ नर्सिंग स्टाफ। हम चल दिए हैं और अभी हमने जस्ट सुभारती का गेट क्रॉस करा और अब हम जा रहे हैं अपनी हेल्थ चेकअप कैंप के लोकेशन पर। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, जो हमारे ड्राइवर भैया है वो गाड़ी में हवा भराने के लिए रुके हैं और यहाँ ड्राइवर भैया को मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। हमने हवा भरवाई और हम फिर से चल रही है अपनी लोकेशन की साइड। आगे आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे हमारा हेल्थ चेकअप शुरू होता है और हमने वहाँ क्या चीज़ें करी और कैसे कैसे इतने सारे पेशेंट आए, कैसे कैसे हमने सबको दवाइयाँ दी, कैसे सबकी हेल्थ स्टेटस को चेक किया। यहाँ एक ट्विस्ट था, मुझे लगा था हम दूसरे वाले रोड से जाएंगे जो कि छोटा रोड था, दूसरे वाला जो कि डायरेक्ट साइड से होते हुए जाता है, बट हमने सिन्नी वाला से, जो ड्राइवर अंकल है उन्होंने सिन्नी वाला से शिवालिक वाला रोड लिया और सिन्नी वाला से होते हुए शेरपुर से होते हुए हम निकल रहे हैं। अभी हम शेरपुर से आगे आ चुके हैं, हसनपुर अभी हमने क्रॉस कर दिया है। ड्राइवर भैया जो है हमारे ड्राइवर अंकल वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे क्योंकि हम लेट हो चुके थे और हमारे प्यारो भैया पहले पहुंच गए थे और ये हमारी पूरी टीम है और पीछे प्रियंका बैठी है मेरे साथ, मैं हूँ और आगे कुसुम दीदी है फार्मेसी वाली जो कि हमारे साथ पिछले वाले कैंप में भी थी और हमारे आई वाले डॉक्टर है और मेडिसिन वाले डॉक्टर है डॉक्टर शाहाना मैम है और पीआरओ भैया है हमारे साथ चेतन सर और हमारे अटेंडेंट भैया भी है और हमारे दूसरे वाले जो ड्राइवर भैया के बगल में बैठे हैं फार्मेसी में जो हमारे कुसुम दीदी की हेल्प करते हैं वो वाले भैया आगे बैठे हुए हैं। अभी हम अपने लोकेशन पे जस्ट पहुँच ही चुके हैं। हम जैसे ही मेन रोड से हमने एक टर्न लिया और अब हमें जो हमारी लोकेशन थी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हम कोटा रोड पे हमारी लोकेशन थी। ये एक पहले एक स्कूल था बट अब ये स्कूल नहीं है और यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप लगते रहते हैं और जिन मैम का ये घर है अभी वो यहाँ पे अपनी इस आलीशान बंगला टाइप बहुत ही प्यारा उनका घर है, बाहर से जितना अच्छा है और अंदर से भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है और उन्होंने जो भी डेकोरेशन वगैरह अपने घर का जो इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और अभी हमने जस्ट हम अपनी लोकेशन देख रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ बैठना है और यहाँ हमारे पीआरओ भैया मेरी हेल्प कराते हुए दोनों सनी भैया भी और चेतन भैया जो हमारे चेतन सर है और सनी भैया जो हमारे हैं वो हम सबकी हेल्प करते हुए यहाँ हमारे फार्मेसी में कुसुम दीदी और दूसरे भैया बैठे हैं और यहाँ हैं हमारे आई वाले डॉक्टर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए और चेकअप करते हुए। यहाँ पे मैं हूँ बीपी लेते हुए और सभी का शुगर टेस्ट करते हुए। इधर हमारा रजिस्ट्रेशन कर रही है हमारी एक स्टाफ है और ये वहाँ के सर थे और यहाँ एक सर और खड़े हैं जो कि हमारे सुभारती से ही है, सॉरी मैं उनका नाम नहीं जानती और मतलब मैंने सुना था पर मेरी याद नहीं। और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे और दवाइयाँ भी दे रहे थे साथ में अच्छे से सबको जल्दी लगी हुई थी दवाई लेने की, बट हम बहुत आराम से सबको प्रॉपर बताकर कौन सी किस दवाई किस टाइम लेनी है ऐसे बता रहे थे। यहाँ पे ड्राइवर अंकल और कि दूसरे वाले भैया को पोज मारना था कि हमारी वीडियो भी बनाओ और हम भी यूट्यूब में आना चाहिए। और ये एक छोटा बच्चा था, इसको मैंने बोला हाय करो बस, बट इसने नहीं करा, बट एट लास्ट मैंने इसको बोला, कन्विंस करा, फिर इसने हाय कर दिया, ये देखो कर दिया। हाँ भैया मेरे बारे में बता रहे हैं कुछ कि मैं बहुत निकम्मी टाइप बता रहे हैं मुझे, बट ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत काम करा है वहाँ। और ये सब अभी हम लास्ट में सब पैकिंग कर रहे हैं, सबको हमने दवाई भी दे दी, सबका चेकअप भी हो गया यहाँ पे। अभी हम जाने की तैयारी में और हमने थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लिया था, उस ब्रेक में हमने अपना खाना वाना खाया और अब हम निकलने वाले हैं। अभी हम एक ग्रुप फ़ोटो लेंगे
ग्रुप फ़ोटो जो कि मैंने बीच में डाल दी थी वो आप लोगों ने देखी है, वो ग्रुप फ़ोटो ली। फिर उसके बाद हम अपने अपना सामान हमने अरेंज करा और उसके बाद हम सब बैठे और यहाँ चेतन भैया और सनी भैया हमें अब बाय बोलेंगे, और ये चेतन भैया और सनी भैया आएंगे बाइक से ठंडी में। सो हम निकल गए हैं और सुभारती के साइड मतलब अपने सुभारती हॉस्पिटल के लिए हम निकल चुके हैं। सो अभी यहाँ जो प्रियंका बैठी है उसको बड़ी टेंशन होती है कि वो घर कैसे जाएगी। अभी देखना कैसे बैठी है वो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े ही अजीब है, उसको टेंशन हो रही है, उसका घर दूर है और पता नहीं उसको बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये शिवालिक का पुल है, अभी हम सुभारती पहुंच चुके हैं और ड्राइवर अंकल हमारे साथ थे इसलिए जो स्टाफ की बस जाती है वो बस अभी तक नहीं गई है। सो सभी बाहर पे वेट कर रहे हैं। इसके बाद मैं गई थी NS ऑफिस, फिर मैंने वहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एड किट थी वो वापस से NS ऑफिस में रखी। उसके बाद मैंने पंचिंग करी, पंचिंग करने के बाद फिर हम घर को निकल गए। और ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक क्लिक करे थे जो मैम जिनके यहाँ हम गए थे उन्होंने अपना गार्डन भी बहुत प्यारा बना रखा था, कुछ ऐसे रोज़ेस टाइप थे। और ये कुछ पिक्चर्स है जब हमारा हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो चल रहा था उस टाइम पे, सनी भैया जो है हमारे प्यारे भैया उन्होंने ये कुछ फ़ोटोज़ ली थी और सीरियसली बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करी है भैया ने। थैंक यू सनी भैया एंड ऑल द टीम जो कि बहुत सपोर्टिव थे, सभी एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। जब भी हम कैंप में जाते हैं बहुत अच्छे से हमारे कैंप का जो भी प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से निपटता है। और काफ़ी सारे पेशेंट आए और अभी कल भी कुछ पेशेंट आएंगे जिनको सुभारती हॉस्पिटल की जो गाड़ी है वो पर्सनली लेने जाती है बस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ चेकअप कैंप में। वेट मेज़र करते हैं हम पूरा, मतलब फुल बॉडी चेकअप करते हैं। थैंक यू गाइज। गाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।